गाइज ऑलराइट, सो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अपनी फोटो में फेस को स्मूथ कर सकते हो एंड कुछ इस तरीके का कलर टोन डाल सकते हो, यानी कि येलो टोन डाल सकते हो। तो गाइज ऐसे एडिटिंग करना काफी सिंपल है, मतलब बहुत ही आसान है, तो ये वीडियो ध्यान से पूरा देखिए। इस वीडियो में हमने आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया है, तो वीडियो पूरा देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर ऑन कर लीजिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके सो गाइज, जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे हो कि हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं, तो गाइज सबसे पहले हम अपनी फोटो को ओपन कर लेते हैं। तो ये रही हमारी फोटो, हमें इस फोटो में फेस को स्मूथ करना है एंड अपनी फोटो को एडिट करना है बिल्कुल ही येलो टोन में, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि स्किन कितनी ज़्यादा रफ है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि स्किन बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है। तो सबसे पहले इस फोटो को अब हम शेयर करके ओपन करेंगे लाइटरूम मोबाइल ऐप के अंदर, ठीक है। तो ये रहा लाइटरूम मोबाइल ऐप, मैं इसके अंदर इसको ओपन कर लेता हूँ। तो लाइटरूम ऐप के अंदर आने के बाद यहाँ पे आपको इस फोटो को ओपन कर लेना है, ठीक है। तो अब फोटो के अंदर क्या करना है, आपको सबसे पहले लाइट की एडजस्टमेंट करनी है। तो इसके लिए आपको यहाँ से ऑटो वाले बटन पे क्लिक कर देना है, ये आपकी लाइट की एडजस्टमेंट ऑटोमेटिक से कर देगा। फिर भी कोई अगर यहाँ पे मैनुअली आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हम व्हाइट्स को कम कर दे रहे हैं थोड़ा सा, एंड थोड़ा शैडोज को भी कम कर दे रहे हैं, एंड हाईलाइट्स को थोड़ा सा कम कर दे रहे हैं, एंड यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को लगभग +3 ही रख रहे हैं, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद गाइज अब चलते हैं इस कलर वाले टैब के अंदर। तो कलर टैब के अंदर आने के बाद सबसे पहले मिक्स टूल में जाना है आपको। यहाँ से आपको ये ग्रीन वाला कलर ले लेना है, इसकी ह्यू को पूरा माइनस कर देना है, यहाँ से येलो का सिचुएशन इस तरीके से बढ़ा देना है, ठीक है। वैसे यहाँ पे ग्रीन का भी सिचुएशन आपको बढ़ा लेना है, और ये जो सेकेंड वाला कलर है और फर्स्ट वाला कलर है इन दोनों का सिचुएशन आपको कम कर लेना है, ठीक है। तो इसका सिचुएशन हम कम कर लेते हैं एंड यहाँ पर लुमिनेंस को बढ़ा लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लुमिनेंस को इंक्रीज कर लेते हैं। बाकी ये आपको ब्लू कलर मिलेगा तो इसकी ह्यू को थोड़ा सा माइनस करना है एंड यहाँ पे सेचुरेशन को थोड़ा सा प्लस करना है एंड इसकी लुमिनेंस को थोड़ा कम कर देना है, ठीक है। तो अभी आप देख पा रहे हो कि फोटो में स्किन कितनी ज़्यादा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि पहले से वाइट तो लग रही है लेकिन अभी भी स्किन रफ है, तो स्मूथ करना भी हम आपको सिखाएंगे। तो ये जो मैजेंटा कलर है एंड ये जो आप देख पा रहे हो कि पर्पल कलर है, इन दोनों का सेचुरेशन आपको कम करना है, ठीक है। तो सेचुरेशन हम इन दोनों का कम कर दिए। अभी आप देख पाओगे फोटो बिफोर एंड आफ्टर कुछ इस तरीके से, मतलब कुछ इस टाइप की फ़ोटो लग रही है, ठीक है। तो हम इसको -46 कर देते हैं एंड यहाँ पे लुमिनेंस को यहाँ पे +38 कर देते हैं, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद अब आपको चलना है इफेक्ट वाले टूल के अंदर, देन यहाँ पे टेक्सचर को इंक्रीज कर लेंगे एंड क्लैरिटी को भी इंक्रीज कर लेंगे। वैसे यहाँ पे जाएंगे शार्पनिंग को बढ़ा देंगे डिटेल्स वाले ऑप्शन के अंदर, देन यहाँ मास्क को बढ़ा देंगे, उसके बाद नॉइज़ रिडक्शन एंड यहाँ पे डिटेल्स को बढ़ा देंगे एंड कलर नॉइज़ रिडक्शन को ज़्यादा बढ़ा लेना है आपको, ठीक है। एंड यहाँ से इन दोनों को आपको डिटेल्स एंड स्मूथनेस को पूरा बढ़ा देना है, ठीक है। उसके बाद इस लेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इन दोनों को ऑन कर लेना है। अभी आप देख पाओगे फोटो बिफोर एंड आफ्टर कुछ इस तरीके की दिख रही है, ठीक है। तो अब सिंपली शेयर वाले बटन पे क्लिक करके शेयर टू कर देना है, देन इस फोटो को अब हम ओपन करेंगे ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर, ठीक है। तो हम इसको ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर इसको ओपन कर लेते हैं। तो गाइज हम ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर इस फोटो को ओपन कर लिए। अब आपको यहाँ ब्रश वाले टूल के अंदर क्लिक करना है, देन यहाँ पे आपको लाइब्रेरी पे जाना है। यहाँ आपको बहुत सारा ब्रशेज मिल जाएगा जिसके हेल्प से आप बहुत तरह की फ़ोटो एडिट कर सकते हो। ये अलग अलग काम के लिए यहाँ पे अलग अलग ब्रशेज हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ आपको एक स्मर्ज का ऑप्शन मिलेगा, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे स्मर्ज लिखा हुआ है। तो स्मर्ज वाले कैटेगरी के अंदर जाना है, देन ये आपको ब्रश ले लेना है, ये आप सेकेंड नंबर पे जो देख पा रहे हो ब्रश, ये वाला आपको ले लेना है। इस ब्रश का नाम है स्मर्ज फ्लैट ब्रश 3, ये आपको ले लेना है। देन यहाँ इसकी सेटिंग आप देख लीजिए, इसमें फ्लो को आपको 1% रखना है एंड स्ट्रेंथ को 1% रखना है एंड साइज आप अपने हिसाब से सेट कर लोगे, ठीक है। तो साइज को कैसे सेट करना है, फोटो को जूम करेंगे एंड यहाँ पे इसकी साइज़ कुछ इस तरीके से बड़ा या छोटा कर लेंगे। तो मेरे को साइज़ लगभग इतना सही लग रहा है, इतना रखना है एंड कुछ इस तरीके से आपको ये ब्रश चला देना है। पहले आपको इस तरीके से चलाना है, मतलब वर्टिकल एंड लैंडस्केप दोनों आपको चलाना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से चलाना है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, मैं लैंडस्केप क्यों बोल रहा हूँ। उसके बाद ऐसा चला देने के बाद आपको अप टू डाउन करना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको चलाना है, तब आपकी फ़ोटो में फेस जो है परफेक्ट स्मूथ होगा, ठीक है। ये ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा गाइस, आपको कुछ इस तरीके से ही आपको अपनी फ़ोटो को स्मूथ करना है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि हम जैसे जैसे चला रहे हैं फेस काफ़ी मस्त यहाँ पे स्मूथ हो रहा है एंड ब्रश की साइज़ आप छोटा या बड़ा करते रहना, नहीं तो एक साइज़ में पूरा फेस सोचोगे कि स्मूथ हो जाए तो ऐसा नहीं होता है, इसीलिए आपका फेस गलत तरीके से स्मूथ हो जाता है तो बेकार लगता है, ठीक है।
तो ऐसे आपको कर लेना है गाइज। मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ क्योंकि अगर धीरे धीरे ऐसे करूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। आपको बहुत ही धीरे धीरे से करना है, मतलब बहुत ज़्यादा रफली नहीं करना है, नहीं तो स्किन बहुत ख़राब हो जाएगा। तो गाइज अभी आप देख पा रहे हो कि हमने स्किन को स्मूथ कर लिया है। अभी आप देख पा रहे हो कि फोटो में फेस पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रहा है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि आपका फेस स्मूथ कम है तो आपको अगेन जाना है इसके अंदर, देन लाइब्रेरी के अंदर जाना है एंड स्मर्ज कैटेगरी के ही अंदर आपको ये वाला ब्रश ले लेना है, ठीक है। इस ब्रश का नाम है स्मर्ज राउंड ब्रिस्टल ब्रश, तो ये आपको ले लेना है। देन इसकी सेटिंग आपको फ्लो को 3% एंड स्ट्रेंथ को 5% एंड साइज को आपको अपने हिसाब से ही सेट करना है, ठीक है। देन अपनी फोटो को जूम करना है एंड यहाँ पे साइज को सेट कर लेना है, मुझे साइज इतना रखना है। देन इसको आपको राउंड राउंड ऐसे पूरे फेस पे चला देना है, ठीक है। तो आप राउंड राउंड इस तरीके से चलाओगे तो आपका फेस पहले से ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अपने फेस को जितना ज़्यादा स्मूथ करना है उतना आप इन दोनों ब्रश का यूज़ करके बहुत अच्छे तरीके से स्मूथ कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे को लग रहा है यहाँ पे फेस बेटर, तो आप देख पा रहे हो कि कितना मस्त यहाँ पे फोटो में फेस स्मूथ हो गया है। तो आपको अपनी फ़ोटो को कुछ इस तरीके से ही एडिट करना है इस टोन में। एंड गाइज अगर आपको ये बैकग्राउंड में ब्लर ऐड करना नहीं आता, बैकग्राउंड ब्लर करना नहीं आता, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ आपको बैकग्राउंड ब्लर करना ही सिखाएंगे क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है काफ़ी। अगर हम इसी वीडियो में बताएं तो ये वीडियो और ज़्यादा काफ़ी लंबी हो जाएगी जो कि कोई देखना नहीं चाहेगा। सो इसलिए हमने आपको इस वीडियो में नहीं सिखाया। तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रॉपर वीडियो बना देंगे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।